डूबा। ऐसा क्यों होता है तू माहिया अखा दे तू रे सामने मेरा सब कुछ तू माहिया। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत स्वर। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं आ गई हूँ अपने मायके ससुराल में। मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज उतना होता ही नहीं है कि शूट हो पाए। एंड मोर ओवर मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही मतलब कफ वगैरह हो रही थी, अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे को थोड़ा वीकनेस सा भी हो चुका है। तो अभी क्या हुआ है ना, लड्डू के पापा की है कल की ट्रेन सुबह 6 बजे की, तो आज रात में वो यहाँ से निकलेंगे 1-2 बजे के करीब और 5 बजे मतलब 4-5 बजे के करीब वो गोरखपुर पहुँचेंगे। फिर वहाँ से 6 बजे है ट्रेन, क्योंकि सिवान से बैंगलोर की डायरेक्ट ट्रेन कोई भी नहीं है। तो हम लोग आ चुके हैं, लड्डू के पापा भी आ गए, और क्योंकि अभी जा रहे थे लड्डू के पापा तो उन्होंने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ साथ में, मतलब कि चले जाओगी तो अब हो जाएगा, वरना फिर बाद में किसी को आना जाना पड़ेगा एंड सब लोग फिर बिजी भी हो जाते। तो इसीलिए पापा जी और ने सब ने बोला कि नहीं अब जा रहे हो तो लेके चले जाओ, वहाँ पे रहेगी अब आराम से, अब कहीं आना जाना नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली अब कहीं नहीं आना जाना है, क्योंकि जो अब मेरा मंथ स्टार्ट हो रहा है, अब 2-3 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा दूसरा नेक्स्ट मंथ, तो मैं अब ट्रैवल नहीं कर सकती। एंड अब मुझे थोड़ी सी परेशानी हो भी रही है बैठने में, क्योंकि मैं वहाँ से ही आ रही थी तो मुझे मन नहीं हो रहा था कि मतलब ट्रैवल करके जाऊँ। एंड मोर ओवर मैं प्रिंस को 10 बार बोल रही थी बाबू आराम से गाड़ी चलाओ, आराम से गाड़ी चलाओ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो लॉन्ग डिस्टेंस तो कहीं भी ट्रैवल नहीं करने वाली हूँ फिलहाल। मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और यहाँ मैं आई तो पता चला कि यहाँ आई नहीं, सुबह मुझे पता चला 9-10 बजे कि भैया ऑलरेडी लखनऊ पहुँच गया, मतलब भैया भाभी जा चुके थे सुबह सुबह। मैंने अपनी ज्वेलरी भी अभी हटाई नहीं है, निकाली नहीं है, बट अभी निकालूंगी, चेंज करूँगी और चलते हैं मम्मी के पास। मम्मी भी सो रही है, मम्मी से मिलने मौसी भी आई थी, ज़्यादा मैंने टाइम नहीं बिताया, वो लोग अपने में ही बात कर रहे थे, मैं कुछ काम कर रही थी। लड्डू के पापा गए हैं अपनी जो छोटी वाली मेरी ननद है उनसे मिलने, क्योंकि एक्चुअली मैं हम लोग हमेशा जाते, मैं भी जाती, लेकिन मेरे को मन ही नहीं हो रहा कहीं भी जाने का और वो यहीं पर रहती हैं, तो जब भी मेरा होगा कुछ मन या जो कुछ भी तो हम लोग तो मिल सकते हैं, लेकिन लड्डू के पापा जा रहे हैं बैंगलोर, अब उनको भी अकेले रहना पड़ेगा तो मैं नहीं जा पा रही हूँ। बट वो भी बहुत जल्दी आएंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। आप लोग गेस कीजिएगा क्या इंपॉर्टेंट काम है, वैसे बहुत जल्दी मैं रिवील कर दूँगी ये क्या काम है। एंड बहुत जल्दी फिर लड्डू के पापा आ जाएंगे एंड मोस्ट प्रॉब्ली मेरे डिलीवरी तक तो आ ही जाएंगे, डिलीवरी के टाइम यहाँ रहेंगे क्योंकि जो टाइम है वो अभी है टाइम, तो फिलहाल जाके वो आ सकते हैं। तो अभी जाते हैं मम्मी के पास, थोड़ा बैठते हैं क्योंकि मैं आई हूँ तो मैं दूसरे रूम में ही थी, मैं थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर रही थी, कुछ प्रमोशनल वीडियोस थे। एंड अभी पहले मैं ज्वेलरी निकालती हूँ, ये इयररिंग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा लगता है, तो मैं इसका डिज़ाइन दिखाती हूँ, फिर इसके बाद से मैं इसको रखूँगी, मंगलसूत्र को भी निकाल के रखूँगी एंड देन छोटा सा पहनूँगी इयररिंग। तो यहाँ पे ये जो झुमका है ना, ये मेरे को मेरे शादी में मम्मी ने दिया था, यहाँ मेरे को अपने हाँ बेटा मुझे अपने ससुराल वाली ज्वेलरी दिखानी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे दी वहाँ का गोल्ड कलेक्शन आप दिखाओ, तो वहाँ का बहुत ज़्यादा हैवी हैवी है इसलिए मैंने अभी तक शेयर ही नहीं किया है। ये झुमका बहुत प्यारा सा लगता है, ये मेरे को मम्मी ने दिया था एक्चुअल में, ये जब मम्मी ने बनवाया था, सॉरी ये इस कान का, ये इस कान का, तो ना ये कुछ ज़्यादा ही लंबा था, यहाँ तक था मतलब बड़ा था, फिर मैं इसका एक ये 2 लेयर कट कराई, एक लेयर कट कराई, फिर एक लेयर कट कराई, फिर कराते कराते ये छोटा हो गया। और ये जो झुमका है ना, ये ऐसे खड़ा टाइप का है, जो नॉर्मल झुमका पहनते हैं ना लोग ऐसे वाले पहनते कटोरी जैसे, बट ये कटोरी जैसा नहीं है इसका, आप लोग देख सकते हो ऐसे निकला हुआ है और बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है इसका, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट ये मंगलसूत्र भी निकालूंगी और रखूंगी जल्दी से, मैं फ्री हो जाऊंगी इसको रख के, तो बस बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ मैं निकाल दी हूँ अपने साड़ी कपड़े जो कि मैं घर से नौतन से लेके आई थी,
ये साड़ी बहुत सारे लोग बोल रहे दी कहाँ से लिए हो, किसी का कमेंट आया था ये मम्मी वाला साड़ी, तो मम्मी का साड़ी सेम इसी कलर का है बट वो अंदर रखा हुआ है। एंड मैंने ये शिवान से लिया था। और यहाँ पे एक और बहुत प्रिटी सी साड़ी है बट इसका ब्लाउज मैंने सिलाया नहीं है। हाय बेटा, यहाँ पे लड्डू के पापा ने मुझे बर्थडे पे दिया था एक इयर रिंग जो कि मैं चेंज करके ये इयर रिंग लेके आई थी। पहन के बहुत सुंदर लगता है, आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। पास से दिखाती हूँ, ये कुछ ऐसा एकदम हुप टाइप का है जिससे कान ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं, तो ये मैंने लिया था। मैं पहन लेती हूँ फिर आप लोग को दिखेगा। सो ये रहा वो इयर रिंग जो कि मेरे के पापा ने मेरे को एनिवर्सरी पे दिया था, जो कि अब आप लोग देखोगे मुझे बहुत बार पहनते हुए। तो आप लोग को कैसा लगा ये दोनों इयर रिंग का डिज़ाइन? ये थोड़ा बड़ा भी है और हल्का भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कान लटकेगा, तो मुझे अच्छा लगा। मेरी पसंद का एक्चुअली में वो जो लाए थे उसमें का सेम मेरे पास था तो मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया एंड ये ले लिया। सूट वगैरह सब पे जाएगा, तो सिंपल सा और प्यारा सा है। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पापा जी आप जा रहे हैं बोध गया? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पहले गए हैं बोध गया? तो गया गए हैं एक बार, गया गए हैं बोध गया, पहली बार जा रहा है। वही ना बोध गया ही नहीं, बोध गया जहाँ एयरपोर्ट वगैरह बना है। हाँ। वहाँ नहीं गए हैं कभी। हाँ। मम्मी दवाई खाई है तो खाली सो रही है। उठ जाओ, बोलिए बोलो, उठिए नानी। ये क्या कर रहा है तुम? हटाओ जल्दी हटाओ उसको। अरे तो आप तो जा रहे मीटिंग के लिए, इसके बाद मम्मी आप कब जाएंगी? बोध गया जब बुला देते हो जाना है। दादा दादी कहती थी करने ना परसों मेरी उसके एक साल के बाद जाएंगे क्योंकि पंडित जी बोले हैं कि जब आपके हाथ से सारा वो हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो घर का वो करा देंगी और प्रिंस का शादी लास्ट वही बचा है ना, प्रिंस का शादी कर देंगे उसके बाद जग खत्म आपके हाथ। जाएंगे गंगा स्नान करने और गंगा स्नान कर लेंगे हरिद्वार में। तो वहाँ तो की है आप एक बार? गए हैं दो बार, दादी को भी लेके गए थे। क्या कर रहे हो लड्डू? बदमाश लड़का, बिंदी लगा दो बिंदी। और गाइस तबीयत मेरा अभी ठीक है नहीं, लेकिन खूब सो रहा है, खूब सो रहा है। सो जाएंगे जितने उतने अच्छा रहेगा। तब लड्डू आ गया तो उस समय से खेल रहा है ये, हम सोया है। मम्मी के नाक से आवाज आ रहा था तो बैठ के से देख रहा था आपको, सोई थी। लड्डू जी का बदमाशी स्टार्ट। हाँ मेरा बिंदी थोड़ा सुना दो तो मेरे बाके बिहारी सुना दो लड्डू। मेरे बाके बिहारी ला। आइसक्रीम चाहिए कि नहीं? चाहिए ना, तो जल्दी सुनाओ। मेरे बाके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी। सुनो 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 पहले। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे पटका, तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा नीला पटका। तोरी टेढ़ी मेढ़ी चाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुनो सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गैया चरैया
जख्म चू रही है दिनों के नैया के तुम ही लड्डू अच्छे से नहीं सुना रहे हो थोड़ा गायत्री मंत्र सुना दो ओम भूर्भुव स्वः सुना दो मेरे बांके ओम भूर्भुव स्वः ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धियो धियो नमः। सुनिए गायत्री मंत्र सुनाया है।